गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीड अबाउट रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम रिएक्शन रेट की स्टडी करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज रिएक्शन रेट? रेट मीन्स स्पीड। रिएक्शन की कितनी स्पीड है उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन रेट। इस बेसिस पे फॉर्मूला, रिएक्शन रेट इक्वल्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। Suppose reactant is converted into product, it is a chemical reaction. कि इसमें reactant product में convert हो रहा है। Suppose initial concentration 100 moles per liter, product की 0 at 0 seconds, ये 0 seconds में हो रहा है। अब suppose में से 20 moles convert हो रहे हैं product में, so concentration of product 20 moles per liter at 10 seconds. तो लेफ्ट क्वांटिटी यहां आ जाएगी 80, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स इट कन्वर्टेड टू 40, लेफ्ट क्वांटिटी 60। सो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देखिए रेगुलरली डिक्रीज हो रही है, बट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। सो नए फॉर्मूले रिएक्शन रेट का, रिएक्शन रेट इक्वल्स टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम एंड टाइम इंटरवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल मीन्स 0 सेकेंड 10 सेकेंड, टाइम इंटरवल मीन्स 10 सेकेंड, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड मीन्स 20 सेकेंड्स, टाइम इंटरवल ऑल्सो 10 सेकेंड। सो दिस इज टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेम वैसे प्रोडक्ट के केस में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, इट मीन्स इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब जरूरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट है ओनली सिंगल रिएक्टेंट है, सपोज एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उस केस में रिएक्शन रेट हम कैसी लेंगे? मान लीजिए हमारे पास केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी रिएक्शन साइन सी प्लस डी है, सो रिएक्शन रेट इक्वल्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, और ए और बी, या तो ए की कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होगा या फिर बी की कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होगा, एंड नहीं लेना है, आपने हमेशा और का ही यूज करना है। सिमिलरली ऐसा ही इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और डी डिवाइडेड बाई टाइम की कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं, या तो सी की या फिर डी की डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। इस बेसिस पर रिएक्शन रेट, इसका यदि हम फॉर्मूला शो करें, डिक्रीज मीन्स माइनस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट ए अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल से इक्वल्स टू माइनस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बी डेल्टा टी। इट मीन्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इन द केस ऑफ प्रोडक्ट
plus increase delta C divided by delta T, or plus delta T divided by delta T. सपोज किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम चले तो क्या होगा? इन द केस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाइक 2a प्लस बी रिएक्शन साइन 3c प्लस डी, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, इसमें हम रिएक्शन रेट का फॉर्मूला बनाना चाहें. रिएक्शन रेट इक्वल्स टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, ए डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बट सामने कोफिशिएंट लग रहा है 2, 2 मींस 2 टाइम्स, बी की कंपैरिजन में 2 टाइम्स, इसका मतलब ये जो रिएक्शन रेट आएगा इसका हाफ लेना होगा, हाफ लेने से नहीं मतलब 2 इक्वल्स टू बी रिएक्टेंट है माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स प्रोडक्ट प्लस 3 कोफिशिएंट है 1/3 डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. इस तरह से मैंने फॉर्मूले बनाई. पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चले. पर्टिकुलर रिएक्शन रिएक्शन मीन्स decomposition of N2O5 gives NO2. Now balance this equation twice, 4 equation balance. Now reaction rate. Reaction rate हम कैसे लिखें? Reactant minus 1/2 delta square bracket N2O5 divided by delta T equals 4 times plus 1/4 delta square bracket NO2 divided by delta T equals plus delta O2 divided by delta T. पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम इस टाइप से फॉर्मूला दे सकते. ये जो भी रिएक्शन रेट अभी तक हमने देखा है ये एक्चुअली एवरेज है. एवरेज एंड एवरेज रिएक्शन रेट कभी भी फिक्स नहीं होता, ये हमेशा गड़बड़ होने से मीनिंग एवरेज है. एवरेज होने से मीनिंग सपोज क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उनमें पास परसेंटेज 80% है, तो जरूरी नहीं कि सभी का परसेंटेज 80 होगा, कुछ का 80 होगा, कुछ का 90 होगा, तो कुछ का 70 होगा. सो एवरेज कभी भी परफेक्ट नहीं होता. तो परफेक्ट नहीं है तो इसके लिए आगे हमें चलना पड़ेगा वो है इंस्टेंटेनियस स्टेट पर, तो उसको भी बाद में देखेंगे.